हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि गाइस हमने आपको पहले बताया था कि अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की 2020 की संक्रांति पर रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म अला वेकुंटा पुरमलो का बॉलीवुड में रीमेक होने जा रहा है, तो इसी को लेकर हम एक नई अपडेट लेकर आए हैं, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, इस एक्शन और फैमिली ड्रामा फिल्म के लिए बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और कृति सनन फाइनलाइज हो गए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म अला वेकुंटा पुरमलो के हिंदी रीमेक में फिल्म का नाम शहजादा रखा गया है, जिसमें कार्तिक आर्यन बनी का ओरिजिनल रोल को रिप्राइज वर्जन में निभाएंगे। बॉलीवुड के बेहतरीन कॉमेडी एक्टर परेश रावल भी फिल्म में नजर आएंगे, जो कार्तिक के पिता का रोल निभाएंगे, जिसे ओरिजिनली जयराम ने निभाया था। और साथ ही मनीषा कोइराला फिल्म में तबू का किरदार निभाएंगी। गाइस, फिल्म को एकता कपूर और अल्लू अरविंद प्रोड्यूस करेंगे और फिल्म को रोहित धवन डायरेक्ट करेंगे। गाइस, रिपोर्ट्स तो ये भी है कि एकता कपूर ने फिल्म का नाम शहजादा लेट बॉलीवुड एक्टर राजेश खन्ना और राखी सरार फिल्म 1972 को, जो कि ब्रिटिश राज के जमाने की है, उनके नाम पर रखा है। गाइस, मेकर्स के क्लोज सोर्सेस ने रिवील किया है कि रोहित धवन और उनकी टीम ने अला वेकुंटा पुरमलो में हुई क्रिटिसिज्म, यानी कि फिल्म का अगला सीन क्या होने वाला है, ये ऑडियंस को पहले ही पता लग रहा था। इस बात को पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए मेकर्स ने फुल ट्राई कर रहे हैं और एक बेहतर स्क्रीन प्ले पर काम कर रहे हैं। अब देखते हैं फिल्म से आगे क्या खबर आती है। वैसे गाइस, फिल्म की इस स्टार कास्ट पर आपका क्या कहना है और फिल्म में किसकी एक्टिंग को लेकर आप ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट जरूर करें। टिल देन, फॉर मोर कंटेंट कीप वाचिंग नो बॉटल, ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।